हाय, कैसे हो? हाँ भाई, आप सभी अच्छे हो ना? अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी मन लगा के काम हो पाएगा ना, आपसे पढ़ाई भी हो पाएगी। चलिए, ओके नाउ, ओके, सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को, और आपके लिए एक प्यारा सा सेशन चालू हो चुका है। कैच द मैथ CTM इसका नाम है, और आपको बता देना चाहता हूँ 90वां सेशन आज हम कर रहे हैं। 90th सेशन, 5th ऑफ अप्रैल आपकी आज की तारीख है, और 5 अप्रैल हो गई है, समय निकलता जा रहा है, और 8 PM पर है ना, और डेली आपकी क्लास होती है। तो आप, जो भी बच्चा नया भी जुड़ता है, वह डेली क्लास ले। साथ के साथ जो विद्यार्थी डिटेल में मेरे कोर्सेज कंप्लीट करना चाहता है, तो वह ज्वाइन करे मेरे साथ, मेरे फाउंडेशन कोर्स को पढ़े, और उससे बेहतरीन उसको कोई कोर्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि फाउंडेशन आपके लिए अपने आप में बेहतरीन बैच है। ठीक है, आपको अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो अनअकैडमी आपको ये प्रोवाइड कराता है कि ना केवल आपको एक सब्जेक्ट पढ़े, कंप्लीट सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, ऑल सब्जेक्ट्स पर इक्वल इक्वल ध्यान दें। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान दें, तब जाके हमारा बेड़ा पार लगेगा, और ये सत्य है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कारण यही हो जाता है ना होने का। तो SSC एग्जाम में जाएं, सब्सक्रिप्शन लें, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 12 और 24 महीने की तैयारी के लिए कोर्स ले लें, और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप जोड़ सकते हैं। साहिल 10 कोड लगाकर आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेते हो, तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है UPSI और UPSC में क्या डिफरेंस है। अरे भाई साहब, सर ये दिख रहा है 13 की पावर 795/11। अब जब आप इस तरह से देखते हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 2 आएगा, और हमने देखा प्लस का 2 अगर रिमाइंडर है और उसकी पावर आपका 795 है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो आप भी ये जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि सर अब कुछ ना कुछ तो आपको तरकीब लगानी पड़ेगी। हमारे पास एक तरकीब है, बोले सर क्या है, आइए सिखाता हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या 2 की पावर 79 की पावर 10 × 2 की पावर 5। बोलो अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दो अभी, और सही हूं तो खुश हो जाओ बस। कोई दिक्कत है क्या? 795 को इस तरह से ब्रेक किया कि यहां पर कोई संख्या के ऊपर p-1 आ जाए, अपॉन p आ जाए, और p आपका क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, तो आपका जो शेषफल बनता है हमेशा एक बनता है। कौन सी थ्योरम इसको कहते हैं? इसी थ्योरम को हम कहते हैं फॉर्मेट थ्योरम। तो सर ये वाला पूरा हिस्सा एक हो गया, अब ये कितना बचा, 32/11। तो सर दो रिमाइंडर आ रहे हैं, एक तो माइनस का 1 आ रहा है, दूसरा वाला प्लस का 10, और यही आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, और मिलता ही है, क्योंकि चीजें अगर भूल जाते हो तो याद आ जाती हैं, नहीं पता है तो सीख लेते हो, यही होता है बस। चलिए नेक्स्ट। बत्तीस कैसे आया भाई? अरे 2 की पावर 5 32 ही होता है डियर। चलिए, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² = 7350। ठीक है, तो विकर्ण बताइए, अभी बता देता हूं। तो सर आपका जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6 बचा 1, 6 दूनी 12, और 6 एकम 6 बचा 1, 6 दूनी 12 बचा 1, और 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30। तो हमारे पास भुजा निकल कर आ गई कितनी, 35। अगर भुजा 35 निकल कर आ गई, तो विकर्ण क्या होता है,
भुजा का रूट 3 गुना, यानी कि 35 का कितना गुना, 1.73 गुना। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 35 से कम 35 और 35 × 7 करेंगे तो लगभग आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा, 5 या 15 वाला इकाई अंक होने वाला है। तो ये सब नहीं होने वाला यार, कहां से होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट भी तो जिंदाबाद है ना, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। कोई छात्र एक परीक्षा देते हैं, कई छात्र एक परीक्षा देते हैं, उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उसके औसत अंक 78 से घटकर कितना हो गया, 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत अंक में 3.5 अंक की वृद्धि हुई, इससे सभी छात्रों के औसत अंक 4.5 अंक की कमी आ गई। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि कई सारे विद्यार्थियों ने इसको देखते ही बना दिया होगा, है ना डियर। हाँ तो क्वेश्चन कितना प्यारा है जरा देखिए। कई छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी और उत्तर कुंजी में एरर होने की वजह से 48 छात्रों के अंकों का प्रभावित हुआ। तो मैंने मान लिया कि आपके एक्स छात्र हैं, मानोगे ना भाई, कुछ तो मानोगे, आपको थोड़ी ना पता है, गणित यही कहती है जो चीज ना पता हो उसको क्या कर लो, एक्स मान लो, ठीक है। अब 48 छात्रों के अंक प्रभावित हुए हैं, तो यानी कि 48 छात्रों के अंक प्रभावित हुए हैं तो बचे हुए छात्र कितने हैं, x माइनस 48, जिनका कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। बोले गुरु जी सही है, आप सही कह रहे हो। तो 48 छात्रों के साथ क्या हुआ है, उन 48 स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या हुआ, क्वेश्चन के अनुसार 78 से घटकर 66 हो गया, यानी कि 78 से घटकर अगर 66 हो गया, यानी कि 12 का फर्क आया। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 48 छात्रों के साथ 12 का फर्क आया, शेष छात्रों के साथ क्या हुआ, 3.5। अब यार आप मुझे बताइए, रिमेनिंग छात्रों के साथ यही होगा 3.5, और ओवरऑल क्या होगा, 4.5। चलिए अब अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है भाई, सही है ना। हाँ लेकिन बोला कि शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई, इससे कोई दिक्कत है क्या। कोई दिक्कत है, जिससे सभी छात्रों के अंक में 4.5 की कमी आ गई, ठीक है भाई साहब। यहां तक कोई समस्या तो नहीं। चलिए तो 12 में से अगर हम 4.5 घटाएंगे तो 12 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 16.5, और इसमें अगर हम ये जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा सर 8, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ये दोनों से छोटा, हाँ ये पॉसिबल तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमसे दिक्कत तो हुई है, उस दिक्कत का भी समाधान हमारे पास है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड रुको प्लीज, थोड़ा सा ध्यान दो, कंसेप्ट में कहीं ना कहीं चूक होने की वजह से, यात्रीगण कृपया ध्यान दें प्लीज। अभी थोड़ा देखते हैं, यहां पर एक चीज बोली जा रही है सर बार बार कि 48 छात्रों को प्रभावित किया और उसके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गया, 78 से घटकर 66 हो गया, तो क्या यहां पर जो 12 का फर्क आ रहा है वह इसी वजह से आ रहा है क्या, बोलो। ठीक है कोशिश करते हैं, बात तो उचित लग रही है सर आपकी, माइनस का 12 और यहां कितना हो जाएगा 3.5, और यहां कितना हो जाएगा माइनस का 4.5। अब चलो सॉल्व करके देखें, अब थोड़ा उचित लग रहा है, ये इससे तो बड़ा है,
इससे छोटा है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ रहा है डियर, इसमें से ये जाएंगे तो 4.5 प्लस का 12, और इसमें से अगर ये जुड़ जाएंगे तो कितना आ रहा है 8। तो सर ये हो गया 8 और 7.5, एम आई राइट? और आपका जो रेशो निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ जाएगा सर, 16:15। वेरी गुड। तो यहां पर सर 16:15 आपका रेशो निकल कर आ चुका है। अब आपसे बोला गया है 48 छात्र किसके बराबर है, 16 बराबर आपका 48 है। तो आपसे बोला गया है 1 बराबर 3 हो गया, तो 1 बराबर 3, तो यहां पर हम कह सकते हैं टोटल 21 आ रहा है ना, तो 21 ही है ना, अरे 21 कैसे हो गया, 31 हो गया, 31 × 3 93 आंसर आ रहा है क्या, और यही आपका आंसर है। वाकई में बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा, और वाकई में अच्छा लगा हो तो इस तरह के प्रश्नों से सीखने को बहुत मिलता है डियर, और वही आपको काम करना भी तो है। चलिए हाँ, अब देखो यार जिन बच्चों का ध्यान ही नहीं होता है, अब बार बार जैसे मैं पहला क्वेश्चन पे रुक जाता ना तो रुक जाता, अब कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आया कि प्लस टेन कैसे आ गया, तो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है उन्होंने, ये पता लग जाता है ना भाई, भाई इतना तो मेरे को ज्ञान है ही, ठीक है कि भाई आपको पता है क्या नहीं पता है। अब यहां बोल रहा है कि सर √3 ये 1.73 कहां से आ गया, यहां के बाद उसने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि यहां ये लिखा गया है कि √3 को 1.73 लीजिए, नहीं पता उसको, तो उसको लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आया। सेम क्वेश्चन ये था कि यहां पर बाय -12 क्यों हो गया, अरे भाई घट गया ना, 78 से घटकर 66 हो गया, तो आपका -12 ही तो होगा, लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट, लोवी खान तुम आए हो यहां क्लास में पता है सिर्फ इसलिए कि सर क्वेश्चन कराएंगे, हवा से एक वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कहानी बिल्कुल वही है ना, आप ये सब जानते हो कि यार ये ऐसे गिर गया सर। अब हम ये पॉइंट का नाम भी दे दूं ना तो आपको अच्छा लगेगा, देखो ये ए बी है और ये आपका सी डी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए बी बराबर आपका कितना होगा, बी सी होगा, और आपको ये क्या कह रहा है, ये 60 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, ठीक है। अब जड़ से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां वृक्ष का हिस्सा ऊपरी हिस्सा भूमि को स्पर्श करता है वह 25 मीटर है, तो मेरे दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूं कि वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, सर देखो ये 30 डिग्री के सामने है ना, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 25√3 होगा ना, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 50, 2a होता है आपको बता रखा है, तो मैं यही तो कहूंगा कि ए बी बराबर अगर बी सी है तो ये भी तो 50 है, और टोटल पूरा पेड़ कितना हो जाएगा, 50 + 25√3। अब √3 की वैल्यू क्या रखोगे, ये अभी आपको समझाया था कि 50 + 25 के साथ 1.73 रख दो, सॉल्व कर लो, 25 × 75 कैरी आया 5, मतलब 5 रखा कैरी आया 7, 25 × 7 = 125 है ना, सॉरी 25 × 7 = 175 और 7 = 182 18, 25 × 25 और 10 = 35 और 8 = 43, तो 43.25 और 50, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 93.25 आपका राइट आंसर आ गया, जो कि हम इसको कह सकते हैं 93.3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब कई सारे विद्यार्थियों को यही समझ में नहीं आया होगा ये क्या कर दिया सर, हाँ प्रॉब्लम वहां है, कहाँ आपने पता ही नहीं है आपको, भाई कम से कम चीजें पता होती हैं तो आती हैं, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही सिंपल चीजें, मैं आपको देखो आसपास की चीजें मैं बता के चलता हूं पहले से ही, ठीक है आइए। तो मैं ये कहता हूं कि भाई देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बिल्कुल फिक्स रेशो होते हैं, और ये रेशो आते कैसे हैं, ये रेशो अपने साइन रूल से आते हैं, तो इतना हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पहले ही बताते हैं कि यार चीजें आपके लिए आसान तभी होंगी जब आप करना चाहेंगे, है ना,
आप बात के लिए ना छोड़िए यार, यार बाद में पढ़ लेंगे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, अभी सीखिए। देखिए तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, अगर ए होता है रेशो में तो 60 डिग्री के सामने ए रूट तीन होगा और 90 डिग्री के सामने 2A होगा। इसी प्रकार 45 के सामने अगर ए होता है तो इस 45 के सामने भी ए होगा और इस 90 डिग्री के सामने √2A होगा। इसी प्रकार इस 15 डिग्री के सामने √3 -1 होगा तो इस 75 के सामने √3 +1 होगा और 90 डिग्री के सामने 2√2 होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये सारे रेशोज हैं। तो अब आप ये मत समझ लेना कि ये वैल्यू है, ना ना भाई, ये रेशो है। जैसे कि वहां पर 30 डिग्री के सामने क्या दे रखा था, 25 था ना, अभी देखो 30 डिग्री के सामने 25 था ना। तो बस अब आप क्या मान लो, इस ए को 25 मान लो, इस ए को 25 मान लो, तो अब सारी वैल्यू निकल कर आ गई ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25√3 60 डिग्री के सामने, ये कितना हो जाएगा, 50। चलिए नेक्स्ट, सुबह 11 बजे जो मेरी क्लास होती है ज्योमेट्री जिसमें पढ़ा रहा हूँ, उसे कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, वो सब आएगा उसमें, है ना। कैसे करें बताओ, थीटा बराबर 10 ले लें। हाँ बताओ, देखो थीटा बराबर अगर 10 लेने से बात बन जाए तो, क्योंकि तो कुछ तो हल होगा, है ना, और 10 लेने से बात बन जाए तो देखते हैं। तो 10 लेने से बात बनेगी तो ये हो गया sin 30, और ये भी कितना हो गया sin 30, और sin 30 आपको पता ही है क्या होता है, 1/1 का स्क्वायर 1 + ये भी कितना हो जाएगा आपका cos 90, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 1 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि तो आधा और आधा 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट, आज ये मुझे लगता है मंगल ग्रह पे जाएगा ये, इसकी एक साइकिल थी वो टूट गई थी, वो शांति से बैठा था लेकिन अब नई आई है और बस अब घूमे गए। अरे छोटा सा बच्चा है यार। ए 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन सेब खरीदता है, उसने उसे प्रत्येक को 19.5 रुपये की दर से बेचा, तो ए का लाभ बताइए। सर 10 दर्जन और एक सेब की कीमत है ये, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 180 रुपये, यानी कि 180 रुपये एक दर्जन की कीमत है, तो 10 दर्जन सेब खरीदता है इसकी दर से, तो छोड़ो ना यार 12 का भाग दे दो तो एक सेब की कीमत कितनी आ जाएगी, 12 रुपया, वो सॉरी 15 रुपया, 15 रुपये का एक सेब पड़ रहा है, 19.5 का आप बेच रहे हो, प्रॉफिट कितना हो गया, 4.5 का नगद प्रॉफिट आपने कमाया और बटे आपने 15 कर दिया × 100, तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो 30% का प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन को पढ़कर, पता है इस लाइन को पढ़कर ऐसा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 18 हो जाएगा सीपी, नेचुरल है ये बात। लेकिन क्या है कि चलिए, तो ये 18 नहीं होगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है डीपली। 180 रुपये पर डजन 10 दर्जन खरीदे, अरे हमें क्या मतलब है, हमें एक सेब का सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें एक सेब का कॉस्ट प्राइस चाहिए बस, ठीक है। चलिए सर गर्दा उड़ा के आऊंगा अभी जाके ऊपर क्लास के बाद। कह दूंगा भाई 8 से 9 कुछ नहीं करना है, 10 बजे के बाद चाहे कोई से ग्रह पे भेज दो, हमें कोई मतलब नहीं।
तो कैसे करूं? करो सर, हमसे क्या पूछ रहे हो? बोले यार देखो, एम अपॉन एक्स दे रखा है, एन अपॉन वाई दे रखा है, पी अपॉन जेड दे रखा है, और ये किसके बराबर है? 5/1 के बराबर है। तो मैं यहाँ ये निश्चित तौर पर कह पाऊंगा कि भाई कुछ नहीं है सर, अब टेंशन नहीं लेनी है आपको। मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं लूंगा भाई, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 1-1 रख दो, क्योंकि जब बराबर हो ना तो एम की जगह 5 रख दो। तो मैंने देखा सर सब 5 5 5 5, तो देखो 4 और 5 9 और 3 12 × 5 का स्क्वायर, और यहां भी कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 3 12 × 1 का स्क्वायर। क्या बात है यार, 25 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना होता है, जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन जीना सीखिए। क्या बात कही है भाई साहब, गजब। आगे चलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत मत समझ लेना इस चीज को। देखिए भाई, देखो एम स्क्वायर, एन स्क्वायर और पी स्क्वायर तो कॉमन ही है ना, बराबर ही है एम एन पी की वैल्यू। तो मैंने सोचा कि इनको बराबर कर ही देता हूं ना, तो बाकी जुड़ के जो आएगा वो बस बचेगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि तो इसकी वैल्यू 5 है और इधर क्या है, 1 है, हो गया काम। नहीं, अगर वैल्यू पुट करोगे टाइम ज्यादा लगेगा ना भाई। आप ये सोचते हो कि मैं वैसे करूं, यहां 5 रखूं तो 4 × 25 100 लिखोगे, फिर इसको बहुत टाइम लगेगा। तो जब सीधा ही हो रहा है तो क्यों करना। अब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 48 अधिक है। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है? तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ओहो, ए ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, ए माइनस 2d, ए माइनस 4d, चलेगा? चलेगा क्या जी? ऐसे ही मानना है। अब आप ये मत सोचना कि सर आपको कैसे पता। अरे भाई, जब थ्योरी होती है तो ये बच्चों को पहले ही बताया जाता है कि कोशिश ये करो कि दोनों तरफ बैलेंस बना सको। हालांकि आप ये मान सकते हो ए ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, ए प्लस 6d, ए प्लस 8d, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या बोला गया कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 48, अंतिम संख्या से 48 अधिक है, हो गया काम। इनका योग कितना आ रहा है, इसलिए बोलता हूं कि सीखो अंतिम संख्या से अधिक का मतलब अंतर। तो यानी कि 4a - 4d बराबर 48। तो a - d बराबर कितना आ गया, 12। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या हो गया भाई? सही है, कुछ सोचना है क्या? 5 क्रमात्मक विषम संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 48 अधिक है। पहली 5 क्रमागत विषम अंतिम संख्या से, आपने इवन मान लिया, आप ऑड बोला है, ऑड है, लगा लो, तुम अपना लगा लो, अपना लगाओ एक बार, फिर हम बताएंगे तुम्हें। a - 2d होगा, अंतिम संख्या से 48 अधिक है ना? ए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अंतिम संख्या से डी क्यों लिए? अरे डी तो लेना ही पड़ेगा ना, डी ना लें आप ये चाहते हो? हाँ, ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमें एपी थोड़ी बोला है। डी ना लो तो, नहीं लेते तो फिर भी ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप इस तरह से मान लें और ये सब खत्म, फिर तो सही है। तो
यहाँ कितना आ गया, 4a बराबर कितना हो गया 52, a बराबर हो गया 13, a बराबर 13 हो गया, तो पहली तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, a माइनस 2 11। और ये सही है, ठीक है, मैं ए भी मान गया था। अब आप कौन कह रहा था कि भाई ऑड है इवन है, नाम बताओ क्या हो गया भाई। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरी बात को सुनो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यहां, हम तो पता थोड़ी है हमें, लेकिन आप ध्यान रखना कि जो इवन और ऑड का जो फर्क है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ए को क्या मानते हैं। ए को अगर आप इवन मानोगे तो संख्याएं इवन इवन होंगी, ए को अगर आप ऑड मानोगे तो संख्याएं ऑड ऑड होंगी, क्या टेंशन है। तो मैं तो यहां ए को वेरिएबल मान रहा हूं ना, तो आप ये मत सोचो अरे यार इवन मान लिया, कहां से पता चला आपको इवन है भाई। तो ये चीज सोचिए और इस चीज को ये दोबारा ना दोहराइए गलती को, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं। चलिए डी नहीं लिया क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं था। डियर आप अपने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा मानने का जो तरीका है वह ज्यादा अलग है आप लोगों से, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है ना, तो इसको ये ना लें। साधारण ब्याज की 5% की दर से 28,750 रुपए को 3 समान वार्षिक किश्तों में कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आइए ये कौन सा है सर, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, और कौन सी इंस्टॉलमेंट है ये, साधारण ब्याज वाली है। साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट में दो तरीके होते हैं, कौन सी वाली, एक तो प्री इंस्टॉलमेंट होती है और एक क्या होती है, पोस्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये कौन सी वाली है, पोस्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि प्री इंस्टॉलमेंट तो आपको ठेकेदार ब्याज देता है, पोस्ट इंस्टॉलमेंट में आप उसे ब्याज देते हो, ठीक है। पोस्ट इंस्टॉलमेंट का उदाहरण है मोबाइल खरीद के लाना किसी से, वो पोस्ट इंस्टॉलमेंट का क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, बोले नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 समान किश्तों में धनराशि का भुगतान करना है, किस तरह से किया जाएगा सर, आओ। 28,750 रुपए की है, 3 तो किश्त बन गई है, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, बोले कोनू दिक्कत कोनी, ये क्या था, छोड़ो। तो 3 तो ये किश्त बन गई, और क्या ब्याज नहीं लगेगा क्या, अगर आप 3 किश्त दे रहे हो, पहली किश्त, दूसरी किश्त और तीसरी किश्त, तो आप मुझे ये बताओ जब आप पहली किश्त दोगे, जब आप पहली किश्त दोगे तो आपके पास जो पैसा रहेगा, जो ब्याज बाकी पैसा रहेगा उसका ही तो ब्याज चलेगा, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 28,750 रुपए पर 5% की रेट से टाइम कितना लोगे आप, अगर 3 किश्त आप दे रहे हो तो टाइम क्या लोगे, 2 और 1, भाई हमने पहले ही बताया था कि 2 और 1 यानी कि इस तरह से आपके 3 साल का ब्याज लगेगा कुल मिलाकर, ठीक है सर। कैलकुलेट करते हैं, तो सर 28 दिया, इसको हमने क्या 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 1 22, और 28 दिया 84 और 2 86,250, तो ये हो गया सर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास तो पहले से ज्यादा जा रहा है, तो कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो हमने गड़बड़ कर दी, इसका मतलब ये अमाउंट लेना है 86,250, समझ गया मैं। रुपए की 3 किश्त दे रहे हो आप, देखो यहां पर 28,750 रुपए की आप 3 किश्त चुका रहे हो किसी धनराशि को, ठीक है। और यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या,
कितनी धनराशि है, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया, तो 20% का क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा क्या, कितने साल के लिए? तीन साल के लिए ना, ठीक है, तीन साल के लिए। और इसी प्रकार अगर हम बात करें, 28,750, वॉट अमाउंट? देखो यार ऐसा होता है, देखो हमने तो यही जाना है, ये तो गड़बड़ लग रही है भाई बात। आपको अगर समझ में आ रही हो तो मेरे को आप बताइए कि भाई साहब देखो कि अगर अमाउंट अगर मैं देता हूं तो अमाउंट मेरे को तो बस इतना समझ में आता है कि भाई साहब अमाउंट अगर हम किसी को चुका रहे हैं या दे रहे हैं तो वह अमाउंट क्या बनता है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस उसका साधारण ब्याज, यही एक अमाउंट होता है। हाँ आशीष सब्र कर लो, है ना डियर, वही कोशिश की जा रही है समझाने की। हाँ देखो तो ये अमाउंट जो बनेगा वह उसके प्रिंसिपल और उसके साधारण ब्याज के सम्मिलित तौर पर बनने वाला है, और 28,700 रुपए की तीन समान वार्षिक किस्तों में आप चुका रहे हो, तो 84,000 तो मतलब 86,000 प्लस तो वैसे ही चला गया किस्त के तौर पर अगर हम बात करें। तो ये कहानी हम बिल्कुल बता सकते हैं कि सर हो सकता है कि यहां पर जो अमाउंट आप ले रहे हो आपको केवल प्रिंसिपल निकालना हो और साधारण ब्याज घटाना हो, ठीक है, तो यहां ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है कि 28,750 रुपये ये हैं और ये तीन किश्तों में हैं, और साधारण ब्याज कितना बनेगा अभी बताया था ना, 28,750 का 5% की दर से 15% बनेगा, तो 28,750 का 15% एक बार घटाना, तो 86,250 में से अगर हम घटाते हैं, बैठा नहीं भाई ये तो, इसको छोड़ते हैं थोड़ा, रुको है ना, लास्ट में देखेंगे इसको, इसको उसमें डाल दो, तो अभी थोड़ा कंसेप्ट गड़बड़ा रहा है, टाइम भी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न करो, अगला देखते हैं, क्योंकि 28,000 की तीन किस्त दे रहे हैं तो वैसे हो गया मामला, तो 84,85,000 देखते हैं। चलो देखेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है कि x² + px - 8 = 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग है, एक मूल दूसरे का वर्ग है तो p का मान, यानी कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, एक दूसरे के वर्ग है ना, तो मैं ये कहता हूं कि दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई ना, और मूलों का योग कितना हो जाएगा, -b/a, तो -2 + 4 - p, तो p = आ गया -2, तो आंसर कितना हो गया, -2, तो +2 आंसर नहीं होगा, -2 आंसर होगा। नेक्स्ट, अरे सुभाजीत दत्ता यार तुम पढ़ते भी हो या फिर तुम बस ऐसे ही आते हो टाइम पास करने क्लास में, बताओ मेरे को, 10 नहीं समझे, वो क्वेश्चन पूरा होता नहीं है उससे पहले, बस ये लिखने के लिए तैयार रहता है कि बस 10 नहीं समझे। अरे ये समझाया तो है पूरा का पूरा, इसमें सबने समझाया नहीं क्या, बताना, एक वर्ग दूसरे का वर्ग है तो दोनों, एक अल्फा मान लिया एक अल्फा स्क्वायर, मूलों का गुणनफल कितना होता है, c/a होता है, तो अल्फा निकाल दिया, मूलों का योग कितना होता है, b - b/a होता है, लिख दिया, अब p की वैल्यू निकाल ली, लेकिन ये तो तैयार रहता है पहले से, तो अरे तो भाई नहीं आया तो पूछिए, नहीं तो बताया जा रहा है तो ध्यान तो दिया करो तुम लोग, तुम तो ये सोचते हो कि रिपीट में पूछेंगे, आदत खराब हो जाएगी तुम्हारी, फिर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पेपर में। क्योंकि फिर 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ता है टाइम वेस्ट होता है बच्चे का, तो वो आदत डालनी है मेरे को कि एक बार में ही आप सल्टाओ फटाफट,
विकर्ण आपको दे रखे 27, बाहरी कौन 2 मिनट में निकाल सकते हैं, विकर्ण आपको होता है तो n इंटू क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2, ये आपका 27 दे रखा है, तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर कितना है 54, तो अब n की वैल्यू क्या होगी टुकड़े करके देख सकते हो 9 और 6, यानी कि n की वैल्यू होगी 9, n बराबर अगर 9 आ गया तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे 9, क्योंकि भुजाओं की संख्या जो होती है उसका डिवाइड करने पर आपका बाह्य कोण निकल कर आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट सीबीटी टू टू के लिए 2-4 दिन बाहर घूम के आओ, पढ़ाई करोगे और क्या करोगे भाई, और वो करनी है और वो चल रही है आप लोगों की। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 8 दे रखा है, देखो हम क्या करें सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है वही सूट हो रहा है इसमें, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। अब अगर ये नहीं पता होगा तो होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये पता होना चाहिए, अगर नहीं आता तो बार बार लिखो, कॉपी में लिखो, कहीं भी लिखो, लिखो बस, ठीक है। अब इसने कर लो सॉल्व, 64 इसकी वैल्यू 14, 2ab bc ca निकालना है, तो बस देख रहे हो ये हो गया कितना 50/2, 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ मैं इसको दिलवाता हूं, क्या नाम भाई का, डोरेमोन को आज ही दिलवा देता हूँ, डोरेमोन चिंता मत करो, है ना। कैंडी ने दूरी के 2/3 भाग को 5 किलोमीटर पर आवर, शेष दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है और 7 घंटे में कुल दूरी तय करता है, तो कैंडी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, हो जाएगा कैसे करोगे वो आपका काम है, मैं आपको बेहतर इन तरीके से समझा दूंगा बस। तो बोले गुरुजी 7 घंटे में कुल दूरी तय हो रही है और 2/3 भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जा रहा है। चलो तो मैं आपसे कहता हूं कि वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्योंकि दूरियां समान नहीं है सर, क्यों लगेगा, जब दूरियां ही समान नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं लगता है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो फिर क्या करें सर, इतना पता है कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मान लीजिए टी टाइम में तय की गई दूरी है, सुनना, तो 8 की रफ्तार से कितना समय लगेगा, 7 माइनस टी टाइम, क्या इन दोनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर है क्या, सोचो, नहीं, 2/3 भाग को तो वो तय कर रहा है, यानी कि गुरुजी ये 2/3 भाग है, यानी कि इसको बराबर करना है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपका 2/3 ये है तो 1/3 वो, तो 2:1 हो जाएगा। तो देखो 5t = 8 × 16 = 112 − 16t, तो 16 × 5 = 21t = 16 × 7, तो t बराबर कितना हो जाएगा 16/3, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि t बराबर अगर हमारे पास 16/3 हो गया तो टोटल दूरी अगर हम निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, हाँ सर रेशो से नहीं, रेशो से भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, रेशो ही तो है, चलिए दूसरा मेथड लगाएं, लगा देते हैं, चलो तुम्हारी संतुष्टि की पराकाष्ठा पर पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने दूरी मानी कितनी,
डी, टोटल दूरी आपने मान लो, टोटल दूरी आप मान लो कितनी, टोटल डिस्टेंस कितनी मान लो, थ्री डी मानो पूरा। दो तीन मेथड बताऊंगा, चिंता ना करो। टोटल डिस्टेंस आपने कितनी मान ली, थ्री डी मान ली, मान ली आपने, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तीन चार मेथड करेंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और थ्री डी क्यों मानी, क्योंकि डिस्टेंस तो मानना है ना, क्योंकि टू बाई थ्री है, वन बाई थ्री है, तो थ्री डी मान लो, जिससे कि आपको पता चलेगा टू डी को, भाई टू डी दूरी तो भाई 2/3, मतलब इसका 2/3, तो टू डी को कितने से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्लस बची हुई कितनी है, डी, भाई डी तो बची है शेष किससे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7। सॉल्व कर लो, 8 × 2 = 16D प्लस 5D = 40 × 7, तो 21D = 40 × 7, तो D = 40/3, और आपने कितना माना है टोटल दूरी को, 3D, तो 40/3 × 3, 40। अच्छा है, बुरा नहीं है, काम में लो, सही तरीका है भाई। मैंने तो वही काम किया जो आपको भी करवाना चाहता हूं, आप समझिए ना, दिक्कत नहीं है यार, आप सीखो। आपको लगता है अरे उससे करो, जबरदस्ती नहीं करनी है क्वेश्चन के साथ, आपको सीखना है, तरीका सीखिए आप, क्या हो सकता है। ठीक है चलिए, और कुछ सोच सकते हैं क्या, एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। सर कैसे लगाएंगे, टोटल दूरी आपने 3 रेशो मान ली, एक हिस्सा आपका 2 है और दूसरा हिस्सा आपका 1 है, राइट। तो सर स्पीड, पहले वाले की स्पीड कितनी है, 5 है, दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, 8 है, तो आपने क्या किया, टोटल मान लिया 40। आप ये यही तो कहते हो सर कि अगर हम यहां कहते हैं कि भाई यहां पर आ रहा है कितना आपका 8 और ये आपका आ रहा है 5, तो यहां पर आप किससे गुणा करोगे, आपके पास टोटल टाइम दे रखा है 7 आवर। अभी देख लेते हैं कि क्या 7 आवर कुल दूरी पे आएगा, अगर आएगा तो जो माना है वह सही है, देखते हैं फिर। तो सर देखो ये 2 है, ये 1 है, और ये आपका कितना है, 3, तो एवरेज स्पीड आपने निकाली 120/15, तो आपकी जो 8 आ रही है, सॉरी माफ कीजिए, 15 क्यों, 21 आएगा है ना, तो ये कितना निकल कर आ रहा है डियर, ये कितना निकल कर आ रहा है सर, ये निकल कर आ रहा है 3 से काटने पर 40/7, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये 7 है वाकई में ये, भाई ये एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर ही तो होता है टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो 7 दे ही रखा है, तो टोटल दूरी कितनी है, 40। इति सिद्धम। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात है, आप सीखते जाइए, हो जाएगा सब। चलिए नेक्स्ट, देखो 7 - 5 + 9/3 को हम डिवाइड करेंगे, पहले 3 × 3 - 2 × 4/2 को करेंगे 2 + 3 × 1/2 × 4, तो देखो क्या आ रहा है, 7 में से 5 गया तो 2, 3 * 3 = 9, 9 में से 4 गया तो 5, और ये हो जाएगा 6, तो 6 और 2 = 8, 9 और 8 = 17, 17 में से 4 गया तो 13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बहुत सिखाऊंगा आपको मैं, बस मन से पढ़ते रहो। टेन कॉट के बराबर कब होता है, जब θ1 + θ2 आपका क्या हो, 90 डिग्री हो। तो 2θ = 90 - 18, तो
तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 माइनस का 9, 36। अब सर ये 36 है तो थीटा की वैल्यू वहां रखो, तो देखो कॉसेक 45 हो गया, 5 थीटा बाई 4 अपॉन ये भी कितना हो गया साइन 45, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2, 1/√2 तो ऊपर आएगा और ऊपर तो रहेगा तो 2 आंसर हो जाएगा आपका। तो डर लग सकता है लेकिन छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है चीजों को, हो जाएंगी सारी। अगला क्वेश्चन करिए। गोविंद कह रहा है 45 क्यों? यार गोविंद मैं बता नहीं सकता तुम्हें कि भाई तुम कैसे करोगे सॉल्व, लेकिन मैं सिखा सकता हूं। आप जब तक अपना जो कलम आपको दी गई है या होगी आपके पास, आप जब तक उसको नहीं चलाएंगे, थीटा की वैल्यू यहां रख के दिमाग में सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। नब्बे पुरुष 20 दिनों में एक कार्य समाप्त कर सकते हैं और 6 दिनों के बाद कितने पुरुष को नौकरी छोड़ देनी चाहिए जिससे कि 26 दिन में हो जाए? पहले कार्य 20 दिनों में हो रहा था, अब कार्य 26 दिनों में हो रहा है, टाइम का रेशो निकल कर आया 10 से 13, और अगर मैं एफिशिएंसी का रेशो बोल दूं तो 6 दिन के बाद है ना, तो 6 दिन के बाद ऐसा हो रहा है और जिससे कि कुल कार्य 26 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है छोड़ो, इससे क्या करेंगे फिर, वो तो तोड़ के करना पड़ेगा। तो 90 पुरुष 20 दिनों में किसी कार्य को समाप्त कर देते हैं, 90 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद कितने पुरुषों ने नौकरी छोड़ दी, कुल कार्य 26 दिन में हो जाए, यानी कि यहां मान लीजिए एक्स पुरुष काम कर रहे हैं और 20 दिन और बचे हैं, तो 90 आदमियों का कितना झमेला बचा है 14 के हिसाब से, अगर आप x इंटू 20 लेते हैं तो m तो कट ही जाना है, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया ये 7 बार, तो 9 7 63, तो कितने लोग चले गए यार 90 में से, जिससे कि यहाँ 63 लोग ही काम कर रहे हैं, तो सर 27 लोग रवाना हो गए। नेक्स्ट आठ से पूरी तरह डिविजिबल होने के लिए क्या करूं सर? बोले यार एक्स की जगह कुछ रखो, आप रख के देख के जाओ कि अगर आप यहां रखते हो 0 चलेगा? चलेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यहां एक्स को अगर 0 रखते हो तो 0 चलेगा क्या? तो 504 आपका 8 से डिविजिबल है सर, जो कि यहां पर आप ये कह सकते हो सर कि भाई हो सकता है कि आंसर हो जाए, तो 0 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सबसे छोटा बोला है ना यार, पढ़ा करो, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो देखो हर चीज लगेगी आपको, फर्क यही है। सात साल पहले दिनेश की आयु भरत की आयु के बराबर थी, अब से 10 साल के बाद दिनेश की आयु और 5 साल पहले भरत की आयु का योग ये है। कहानी बहुत अच्छी है। 7 साल पहले दिनेश की आयु और भरत, दिनेश की आयु, मैं दिनेश को मान लेता हूं एक्स साल का है, सुनना जरा, तो 7 साल पहले कितने साल के? x-7। 7 साल पहले दिनेश की आयु भरत की आयु के बराबर है, तो भरत इतने साल का। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां से कॉन्सेप्ट नहीं निकल कर आ गया क्या कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह 7 साल है? बहुत बड़ी बात है ये। अब क्या बोला जा रहा है कि अब से 10 साल के बाद दिनेश की आयु और 5 साल पहले भरत की आयु का योग ये है, तो अब से 10 साल के बाद दिनेश की आयु, 5 साल पहले भरत की आयु का योग,
तो 5 साल पहले भरत की आयु का योग 94 है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2x बराबर 96, x बराबर आ गया 48। अब x बराबर 48 आ गया, दिनेश भी पता लग गया 48 साल का है और भरत की आयु भी पता लग गई 41 साल का है। अब क्या बोला जा रहा है भाई, राकेश भरत से 6 साल छोटा है, तो राकेश कितने साल का हो जाएगा, 35 साल का, ठीक है, और 12 साल पहले राकेश की आयु। मजा आ गया, सिस्टम तरीके से करते जाइए, सीखते जाइए। कुछ भी नहीं किया मैंने, आपने एक एक पॉइंट पढ़ा है और वही काम किया है, आप भी करिए ये चीज। आपको ये लगता है अरे नहीं यार मैं क्यों करूं, तो वो बात अलग है फिर। नेक्स्ट, बोला क्या जा रहा है सर, पी क्यू और पी क्यू और आर एस का क्या करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं। ओहो रेखाएं हैं, तो सर ये एक पी क्यू मान ली, ये ओ मान ली, ये पी क्यू और ये आर एस ओ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर ए और बी दो बिंदु हैं जो ओ क्यू और क्यू एस दो बिंदुओं पर हैं, तो मैंने मान लिया ये ए और बी को मिला दिया। लो अब बोला जा रहा है क्या, पी ओ आर ये वाला एंगल 62 है, ओ ए बी और ओ बी ए इन दोनों का अंतर कितना है भाई, ये भी 62 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना है, 6 डिग्री। काम तो हो गया भाई, इन दोनों का योग कितना होगा, अगर मैं इसको मान लेता हूं तो इन दोनों का सम कितना होगा डियर, 118, और इन दोनों का सम अगर मेरे सामने कितना है, 118 है, और इन दोनों का डिफरेंस मेरे सामने कितना है, 6 है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक एंगल मान लेता हूं जो कि एंगल ओ ए बी होगा, बड़ा है ना, तो 124/2 62, और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, ओ बी ए 56। क्या बोला जा रहा है कि भाई ये आपके सामने बड़ा एंगल ये है 62 और ये आपके सामने 56 है, तो जिसके सामने का कोण उसके सामने की भुजा बड़ी, तो ओ भी आपका बड़ा होगा ओ ए से। अरे हाँ सही है, ओ भी आपका ओ ए से बड़ा होगा और 62 के सामने ए बी है और इस 62 के सामने ओ बी है, तो ओ भी आपका ए बी के बराबर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। सबका गलत। चलिए चलिए, अरे पिछले प्रश्न का 30 नहीं आएगा, आप सॉल्व कर लो, 23 आंसर आएगा। आपने गलती की है, उस गलती को पहचानो और उस गलती को पहचानने के बाद एक बार हल करो। नेक्स्ट, जिनका 30 आ रहा है वो सेम मिस्टेक कर रहे हैं। दो शहर P और Q, उनके बीच की दूरी 800 दे रखी है, शहर S से शहर H तक पहुंचने के लिए एक बस 65 और P से शुरू हुई है, दूसरी बस S से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P तक पहुंचने के लिए उसी समय शुरू हुई है, समय समान है। अभी बता देते हैं दूरियों में क्या अंतर रहेगा। मेरे दोस्तों ये बता दो आप पहले तो मेरे को, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि 125 किलोमीटर पर घंटा है, तो आप मुझे बताइए अगर 800 किलोमीटर को अगर तय करना है तो 125 की रफ्तार से कितना टाइम लगेगा,
तो सर 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, यानी कि 6.4 घंटे। तो बस यही तो पूछा गया कि अंतर कितना रह गया, तो 65 माइनस 60 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 32/5, 32 किलोमीटर का अंतर रह गया। ठीक है कि भाई उनके बीच की दूरी को मिलने तक पहुंचने के लिए तय दूरियों में अंतर इतना रह गया। चलिए नेक्स्ट। अपन ना टेलीग्राम ग्रुप बताने की जरूरत नहीं है, मेरी हर शीट में होता है। चंपा ने अपना हीरे का हार 45,000 में बेच दिया, उसे कुछ धनराशि की हानि हो गई। यदि उसने इसे इतने में बेचा होता तो लाभ हानि की तुलना में दुगना था। मान लिया कि एक्स में खरीदा था, इतने में बेचा तो हानि हुई। यदि उसने इतने में बेचा होता 50,400 में, तो जो लाभ है हानि की तुलना में दुगना होता। तो जो लाभ है ना हानि की तुलना में दुगना होता। ठीक है, तो एक्स माइनस 45,000 बराबर 1,80,000, मतलब कितना है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2x, तो 3x बराबर कितना आ रहा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 1,800,000 में से 45,000 गए, तो भाई सॉल्व कर लो। सर देखो 3 3 9 बचा 1, 3 3 9 बचा 1, 3 6 18, तो 33,000 में से 15,000 चले गए, तो 2x हो गया क्या? हाँ तो सही है ना, क्या हो गया? तो हार का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐड होगा? दोबारा देखने दो, ओ माय मिस्टेक माय मिस्टेक, हो गया आंसर आ गया, ऐड होगा ना वो इधर जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं 4 और 8 48,600 आ रहा है। नेक्स्ट, बाकी सही है भाई, इक्वेशन सबसे मेन होती है। देखो फिर से गड़बड़ हो गई, ये सारी गड़बड़ पेपर में होती होती है भैया, थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों पर। नेक्स्ट, ये आपको डीआई नजर आ रही है। चलिए डीआई नजर आ रही है आप लोगों को, 12 45 और 8, ये क्या बोल रखा है कि 75% से ज्यादा, 60 से 74 के बीच में और 60% से कम। अगला क्वेश्चन करिए इस पर। अरे हिंदी इंग्लिश में फर्क होगा, हिंदी के हिसाब से आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है अब बताओ इंग्लिश में क्या दे रखा है, हर गेन वुड हैव बीन डबल द लॉस, यानी कि लाभ हानि की तुलना में दुगना है। सही है, तो उल्टा हो गया है, लाभ जो है हानि की तुलना में दुगना है। देखो भाई दोबारा से पढ़ो, हमने जब पढ़ा था तब तो सही था। मैंने कहा कि चंपा ने
अपना हीरे का हार 45,000 में बेच दिया, यानी कि 45,000 में चंपा ने बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस तो तब होता है ना जब सीपी माइनस एसपी करते हैं, ये लॉस है। मान लो यदि उसने 50,400 में बेचा तो उसका लाभ हुआ, तो 50,400 में बेचने पर जो उसका लाभ हुआ, तो उसका लाभ हानि की तुलना में दोगुना है। तो लाभ हानि की तुलना में दोगुना है, तो लाभ हानि की तुलना में दोगुना है, तो ये इक्वेशन बनेगी डियर। तो ये बात का ध्यान रखें और तभी आप आंसर दें, ठीक है? बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो अब आंसर सही आ रहा है क्या, एक बार चेक करो एक बार, क्योंकि फिर से त्रुटि नहीं हो जाए। तो मुझे लगा मैंने सही पढ़ा है इसी वजह से। 3 एकम 3, 2 3 6 18, बचे 2 3 8 24, 16,800 प्लस 45,000, सॉरी 45 का 30,000, तो फिर इसका आंसर कितना होगा, 46,800 होगा। बाकी सब ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं डीआई का। दी गई जानकारी में बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र, मतलब कितने प्रतिशत लड़कियों को डिस्टिंक्शन पास हुआ, डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ। डिस्टिंक्शन कब प्राप्त होता है बताओ, कभी किसी को प्राप्त हुआ है डिस्टिंक्शन 75% से ऊपर? ठीक है, तो 75% से ऊपर प्राप्त होता है सर, यानी कि नीले वाले, तो कितनी लड़कियों को प्राप्त हुआ? बोले सर 7, ओनली 7 को प्राप्त हुआ है डिस्टिंक्शन। किसके रेस्पेक्ट में? टोटल टोटल कितना है, 65 × 100, सभी लड़कियों के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो लगभग 10% आएगा, 10.76%। नेक्स्ट, साठ परसेंट से 74% तक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत का अनुपात बताइए। तो ये वाला लेना है, लड़के और लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो भाई साहब हम ये कह सकते हैं ना, प्रतिशत का अनुपात बताना है, तो 45/30, 65 और 53/65, और अब परसेंटेज भी निकालो भाई, ये हद है भाई साहब। तो भाई साहब कट रहा है क्या, पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा इसमें, 9/13 और 53/65। अब एक तरीका है इसका, एक तरीका है करने का, बता दूं, अप्रोक्स लेके करें भाई, जिस रेशो में बन रहा हो। मान लो जैसे कि इसको मान लो 70 80 7 8, अब 13 5 65, 45 और 53 है ना, 45 और 53 के अनुपात में जो ये अनुपात है वो अनुपात कौन दे रहा है, और परसेंटेज लेना है। वैसे तो देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं, हाँ परसेंटेज लेना है, तो ये जो रेशो दे रहा है कौन सा देगा, अब वही दिक्कत है, माथा पच्ची बहुत है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, सॉल्व कर लेना चाहिए। तो सर आप पहले तो ये निकालो, 45 65 का कितना परसेंट आ रहा है सर, 45 अगर 65 का अगर परसेंटेज देख रहे हैं, तो 3 से काटा 15 बार, 3 से काट सॉरी 5 से काटा मैंने कितनी बार, 9 बार/13। अच्छा 1/13 कितना होता है पता है क्या आपको, 7.79 होता है ना, 7.69, तो 7.7 मान के कर सकते हो आप, फर्क पड़ जाएगा उससे। तो देखो 9 7 63 का 3 कैरी आया 6, और 9 7 63 और 6, 69.23, एक ही ऑप्शन है, फायदा हो गया ना।
नेक्स्ट। दी गई जानकारी में उन लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ। उन लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिन्हें डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ। तो भैया देखो 12/65, फिर से वही वाली बात। एक बच्चा कह रहा है सर 65 को एक्सप्लेन करो। टोटल छात्र देखो ना, इन सबको जोड़ोगे तो 65 आ रहा है, लड़कियों को जोड़ोगे तो भी 65 आ रहा है, ये 65 की बात हो रही है। ठीक है, तो अब इसको देखो भाई साहब, लगभग आप देखो 12 × 5 = 60, 5 से ज्यादा है तो 5 होता तो 20 होता, अगर ये ज्यादा है तो 20 से कम होगा, तो जितना भी कम मत करो, तो बस 18 के आसपास। नेक्स्ट और लास्ट, कक्षा की कुल संख्या क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, 130, 65 और 65, बॉय एंड गर्ल मिलाकर। तो ये था पूरा सेट। लास्ट क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन रह गया है उसको हम देखेंगे अभी आराम से, किश्त वाला, अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, SSC कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़िया पढ़ें जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। साथ के साथ मेरे फाउंडेशन बैच से भी आप जुड़े जिससे कि आप बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ मेरे साथ जुड़ पाए और पढ़ पाए। लगातार 8 बजे वाली क्लास लें, सुबह 11 बजे वाली क्लास लें। सुबह 11 बजे कल ज्योमेट्री होगा, आप सभी को आना है और आना पड़ेगा, क्योंकि सीखोगे तभी आपके लिए सब चीज आसान हो जाएंगी। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेना है। कैसे ले पाएंगे मैं बता देता हूँ मेरे फाउंडेशन कोर्स के लिए। SSC एग्जाम पर जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 12 और 24 महीने का बैच लो और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ जाओ। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट और आप पढ़ पाएंगे पूरा अच्छे से। तो साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मिलूंगा मैं सुबह 11 बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जुड़ना ना भूलें क्योंकि आपके लिए बेहतरीन चीजें होने वाली हैं। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।